गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज आपणो टॉपिक छे स्पार्क प्लग। तो स्पार्क प्लग नी वात करीए तो स्पार्क प्लग पहला क्या एंजीन में यूज थाय तो एसआई एंजीन एटले स्पार्क इग्निशन एंजीन नी अंदर जेने आपणे पेट्रोल एंजीन तरीके ओळखीए छे। सिलिंडर में कॉम्प्रेस करेल एर फ्यूअल मिश्रण ने सड़गावा माटे जरूरी स्पार्क प्लग नी जरूर पड़े छे। एंजीन सिलिंडर हेड में करेलू होय छे। त्रण मुख्य भाग छे, मध्य इलेक्ट्रोड, ग्राउंड इलेक्ट्रोड के जे थ्रेडवाला मेटालिक बॉडी साथे आवेलू होय छे, बे इलेक्ट्रोड ने अलग करतु इन्सुलेटर होय छे। आ प्रमाणेनी रचना होय छे। सेंट्रल इलेक्ट्रोड होय छे, मेटल नू कोटिंग करेलू होय छे, आ गैस टाइट सील होय छे, मेटल स्क्रू जे थ्रेड पेटर्न पाड़ेली होय छे, पछी आ वॉशर होय छे, सीलिंग वॉशर, पछी आ इन्सुलेटर होय छे। आजे एनी आखी बॉडी जे होय छे ए केवी करेली होय छे, इन्सुलेट करेली होय छे। पछी आ इलेक्ट्रोड अने आ जे सेंट्रल इलेक्ट्रोड जे छे ए बन्ने वच्चे गैप मेंटेन करेली होय छे, जेना वडे स्पार्क जनरेट थाय छे। तो आ तमे फिगर नी अंदर जोई रह्या छो स्पार्क प्लग। आकृति में आपणे जोयुं ते प्रमाणे सेंट्रल इलेक्ट्रोड पोर्सलेन इन्सुलेटर थी कवर करेलो होय छे। इन्सुलेटर में बॉटम थी थोड़ाक लांबो सेंट्रल इलेक्ट्रोड होय छे। ऊपरनो छेड़ो इग्निशन कॉइल माथी आवता केबल साथे जोड़ेलो होय छे। इन्सुलेटरनो नीचेनो भाग मेटल स्क्रू वडे कवर करेलो होय छे, जेथी बे इलेक्ट्रोड वच्चे गैप उत्पन्न थाय छे अने गैप उत्पन्न थवाना कारणे ज स्पार्क थाय छे। गैप केटली होय छे तो 0.6 mm थी 1 mm जेटली गैप राखवामां आवे छे। सेंट्रल इलेक्ट्रोडना टर्मिनल ने हाई टेन्शन करंट आपवामां आवे छे, जेना कारणे स्पार्क थशे। आ करंट जे छे ए सेंट्रल इलेक्ट्रोड तथा ग्राउंड इलेक्ट्रोड वच्चेनी गैप ने जम्प करी दूर करे छे। इलेक्ट्रोड मेटल में निकल, मेग्नेशियम अने सिलिकॉन आ त्रणे त्रण एलॉयनो उपयोग थाय छे। जरूर करता वधु अथवा ओछी गैपना कारणे इग्निशन सिस्टमनी कार्यक्षमता एफिशियंसी में घटाडो थाय छे। हवे आपणे जोईए के रीजन फॉर ध फेलिंग ऑफ स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग जे छे ए फेल थवाना कारण कया कया छे तो आपणे जोईए तो एंजीन ऑइल कम्बक्शन चेम्बरमां दाखल थई जाए तो प्लग से ए फेल थई जाय छे। वधारे रीच मिक्सरथी पण प्लग जे छे ए फेल थाय छे। रीच मिक्सर के जेनी अंदर पेट्रोलनुं प्रमाण केवुं होय वधु होय, एरनुं प्रमाण ओछुं होय, पेट्रोलनुं प्रमाण वधु होय, प्लगनी जे गैप जे छे ए खोटी होय, एटले क्यां तो वधारे होय क्यां तो ओछी होय, अथवा कार्बन डिपोजिट कार्बन जाम थई गयो होय। तमे जोयुं हशे अमुक टाइम तमारो बाइक स्टार्ट नहीं थतुं होय तो तमे स्पार्क प्लग काढशो तो अंदर काळो काळो थई गयो हशे तो ए शुं हशे, कार्बन जामी गयो हशे। तो एना कारणे शुं तमारी जे गैप होय ए भराई गई होय तो एना कारणे पण तमारुं एंजीन स्टार्ट ना थाय। ओके, तो एवा कंडिशनमां शुं करवानुं, तमारे एने बराबर साफ करवी पड़े, बराबर छे, एने थोड़ी घसवी पड़े, कार्बन बधुं दूर करवो पड़े, त्यारबाद तमे एंजीन स्टार्ट थाय। बळी गयेलो इलेक्ट्रोड इन्सुलेटर सीलिंगमां तिराडो पड़ी गई होय त्यारे अथवा तूटी गई होय त्यारे, वरसादी वातावरण तेमज भेजने प्रवेशवाना कारणे। ओके, तो आ बधा हता कारणों। हवे एक थोड़ी नोट छे जोई लेजो, इलेक्ट्रोड मटिरियलमां कोरोजन न थाय તેવું હોવું જોઈએ, એટલે ઇલેક્ટ્રોનનું મટીરિયલ કેવું છે, કોરોઝન ના થાય તેવું હોવું જોઈએ તથા ઊંચું તાપમાન સહન કરે તેવું હોવું જોઈએ, સારી થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી ધરાવતું હોવું જોઈએ। તો આ સાથે સ્પાર્ક પ્લગનો જે ટોપિક જે છે આપણે પૂરો કરીએ છીએ। આના પછી આપણે એન્જિન ફાયરિંગ ઓર્ડર જોઈશું। એન્જિન ફાયરિંગ ઓર્ડર તો આપણે વાત કરીએ તો મલ્ટી સિલિન્ડરની અંદર જુદા જુદા સિલિન્ડરમાં જે ક્રમમાં ફાયરિંગ થાય તેને ફાયરિંગ ઓર્ડર કહેવાય છે। સાચા અને યોગ્ય ફાયરિંગ ઓર્ડરથી એન્જિનનું બેલેન્સ જળવાય છે,
कंपन ओछा थाय छे। मेन्युफेक्चर पोतानी डिजाइन मुजब योग्य रीते एंजीन फायरिंग ऑर्डर ने पसंद करे छे। सिलिंडर नी संख्या आपेली छे अने एना फायरिंग ऑर्डर आपेला छे। जो बे सिलिंडर होय तो फायरिंग ऑर्डर 1 and 2, 3 सिलिंडर होय तो 1, 3, 2, 4 सिलिंडर होय तो 2 आवशे एमां 1, 2, 4, 3 અને 1, 3, 4, 2। જો 6 હશે તો 1, 5, 3, 6, 2, 4 અથવા 1, 4, 2, 6, 3, 5। 8 સિલિન્ડર હશે તો 1, 6, 2, 5, 8, 3, 7, 4 અથવા 1, 4, 7, 3, 8, 5, 2, 6। તો આ ફાયરિંગ ઓર્ડર મેન્યુફેક્ચર પોતાની ડિઝાઇન મુજબ બનાવે છે અને તે અલગ અલગ હોઈ શકે છે, બરાબર છે।